हेलो दोस्तों, अगर आपको कैजुअल पोस्ट डिजाइन करनी है जो कि इंस्टाग्राम पे हम डालते हैं, इसके लिए हमें पहले इंस्टाग्राम की पोस्ट की साइज पता होनी चाहिए जो कि होती है 1080x1080। हम दो पोस्ट का एक डिजाइन करने वाले हैं, इसके लिए हम दो पेज का हम लेंगे। इसके लिए हमें विड्थ जो होगी वो 2160 डालेंगे, क्योंकि 1080x2 किया है तो फिर ये आता है। अब हम क्रिएट न्यू डिजाइन करते हैं। आपको ये कैनवा थोड़ा फार फैमिलियर होना चाहिए। ये अपलोड्स क्या है, फोटोज, एलिमेंट्स से हम अलग अलग एलिमेंट चूज कर सकते हैं या फिर फ्रेम्स होते हैं। टेक्स्ट में हम अलग अलग टेक्स्ट के फॉन्ट दे सकते हैं। इसी तरह हम बैकग्राउंड से बैकग्राउंड चूज करते हैं। पहले हमें बैकग्राउंड चूज करना पड़ेगा, जो कि हम ये वाला चूज करते हैं, कूल दिखता है। इसी तरह हमें अगर कैनवा का बेसिक नॉलेज है तो फिर हमें बहुत आसानी से एक कर्सोल पोस्ट डिजाइन करने आता है। इसमें दो पेज, मतलब दो पेज का हमारे ये सिंगल पेज बना है, इसलिए हमें दो पेज में इसे डिवाइड करना पड़ेगा। आज का हम योगा पे डालेंगे। इसके लिए हमें पहले फर्स्ट पेज हम डिजाइन करते हैं, जो कि है बेनिफिट्स ऑफ योगा। इसे हम स्मॉल करेंगे, बेनिफिट्स ऑफ ऊपर रहने देते हैं और योगा नीचे। एलिमेंट से हम लाइन लेके एक लाइन बीच में ऐसे डाल देते हैं, ताकि हमें आइडिया आता रहे कि हम ये हमारा पेज का सेंटर कौन सा है। तो फिर ये हमारा पेज का सेंटर है, इसलिए हम बेनिफिट्स ऑफ योगा यहाँ पे रखेंगे। योगा को हाईलाइट करने के लिए इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं। ग्रीन अच्छा नहीं दिखता, इसके लिए हम थोड़ा येलो देखते हैं। येलो भी नहीं, ठीक से नहीं दिख रहा। ब्लू अच्छा दिख रहा है। इस पूरे को हम शैडो देंगे। शैडो देने के लिए हम यहाँ पे इफेक्ट्स में आके शैडो का अप्लाई कर देंगे, और इसकी हम ऑफसेट भी बढ़ा सकते हैं। और इसकी इन दोनों की जो स्पेसिंग है, इसे भी हमें कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्पेसिंग कम होगी तो फिर ये अच्छा दिखता है। बेनिफिट्स ऑफ योगा पोस्ट योगा के बारे में है, तो फिर हमें पहले इसे एक सिंपल सा योगा का एलिमेंट डालना पड़ेगा। एलिमेंट्स में आके हम योगा टाइप करते हैं, इनके पास जो कुछ भी एलिमेंट्स हो गए वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो फिर पहले हम सिंपल सा डाल देते हैं। अब हमने ए लिया है, तो इसका नेक्स्ट वाला पेज होगा हमारा, जो कि है पहला बेनिफिट होगा। तो मैंने नोटपैड पे बेनिफिट्स लिख के रखे हैं, स्ट्रेन बैलेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। टेक्स्ट में जाके हेडलाइन और कंट्रोल वी। अब हम फिर से एलिमेंट में आके स्ट्रेंथ के बारे में देखते हैं कि कुछ हमें दिखता है क्या नहीं। डंबल्स तो अवेलेबल है। अब हमें ऐसे ही, मतलब जो बैकग्राउंड है और ऐसे ही पोस्ट हमें नीचे कॉपी करने हैं। इसके लिए हम यहाँ पे ऐड पेज करेंगे तो ब्लैंक पेज आता है, और मेक कॉपी करेंगे तो ऐसा ही पेज हमारे सामने खुल के आ जाता है। अब हम इसमें
आसानी से एडिट कर सकते हैं, जो कि अब हमें ये नहीं चाहिए। इसे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके कॉपी करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे डाल के हम इसका नंबर जो कि 2 कर देंगे। इसे भी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके डुप्लीकेट इसका बना देंगे। और इसके लिए हम नोटपैड से हमारा अगला पॉइंट लेते हैं। और इसके में पूरा पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हर्ट को हम हाईलाइट कर देते हैं, इसके लिए हम इसे कैपिटल में लिख लेते हैं। और इसका कलर भी हम ब्लू कर देते हैं, ब्लू या फिर हर्ट है इसके लिए हम रेड कर देते हैं। और ये निकालने के लिए हमें किसी भी एलिमेंट पे इसे क्लिक करके इसे स्क्रॉल मतलब दबा के बाहर फेंकना होता है। और यहाँ पे लिखेंगे हम हर्ट, हर्ट हेल्थ, ठीक है, हेल्थ भी डाल देते हैं, देखते हैं क्या एलिमेंट्स हमारे लिए आ जाते हैं। अब हमें इसे 2 पेज पे डिवाइड करना है। इसके लिए हम ये जो पहले बीच वाली लाइन है इसे हम फेंक देते हैं, इसे हम सेंटर में लाते हैं और इसका साइज बढ़ा देते हैं। और हम आगे वाले पॉइंट के लिए यहाँ पे 3D लेते हैं और आगे वाला भी हम हर्ट से ही रिलेटेड लेंगे। तो दोस्तों, ये हमने कर्सर पोस्ट पूरा डिजाइन किया है। ये 2 पेज का एक हमारा स्लाइड बन गया है। ऐसे हमने 4 स्लाइड्स बनाए हैं, इसके हमारे 8 पोस्ट बन जाएंगे। तो ये हम पहले डाउनलोड करके लेते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहाँ डाउनलोड करके हम PNG फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेते हैं। जब ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा तब ये यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये बेनिफिट्स होगा, लेकिन ये zip फाइल में आता है। ये हमें यहाँ पर मिल गया है, तो हम इसे पहले एक्सट्रैक्ट टू बेनिफिट्स करके लेते हैं। यहाँ पे आता है, ऐसे 4 पोस्ट हमें मिल गए हैं, लेकिन ये 2 पोस्ट का हम डाल नहीं सकते। इसके लिए हमें इमेज स्प्लिट करना पड़ेगा। इसी के लिए हम एक नए टैब में इमेज स्प्लिटर करके डाल देंगे और इमेज स्प्लिटर इसमें चले जाएंगे। और यहाँ पे हम वो 2 पेज का हम एक एक पेज में सिंगल कट करके लेते हैं। इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिर हम सेलेक्ट करके भी कर लेते हैं। हमें एक एक पोस्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि चारों एक ही बार नहीं हो जाते। अब यहाँ पे पूछता है कि कॉलम और रोज कितने चाहिए। हमारे लिए कॉलम तो 2 चाहिए, लेकिन रोज हमें 0 चाहिए। इसके लिए हम इसकी साइज बढ़ा देते हैं और हमारे पोस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ नीचे स्प्लिट इमेज करके हम डाउनलोड कर देते हैं। अब स्प्लिट हो जाएगा और यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे डाउनलोड इमेज करके जब हम करेंगे तब ये हमारी zip फाइल में ही डाउनलोड हो जाता है। अब हमें दूसरा पोस्ट अपलोड करके मतलब स्प्लिट करना है, तो फिर हमें अपलोड अनदर इमेज पे करना पड़ेगा।
चलिए तो फिर मैं इसे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। ये भी हमारे zip फाइल में डाउनलोड होते हैं। मैं इसे भी एक्सट्रैक्ट करके इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ और आपको इस साइड में यहाँ पे दिखाता हूँ।